दोस्तों इन्फिनिक्स जल्दी ही लॉन्च करने वाला है इंडिया में अपने इन्फिनिक्स जीरो 5G स्मार्टफोन को, जो कि फर्स्ट एवर 5G स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से इंडिया में। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है। एन अनीश कुमार जी, जो कि इन्फिनिक्स इंडिया के CEO हैं, उन्होंने इस स्मार्टफोन की एक पिक्चर को ट्वीट भी कर दिया है। तो ऑफिशियली इस स्मार्टफोन का डिजाइन भी रिवील हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के लीक स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड इंडियन लॉन्च डेट के बारे में, एंड दिखाऊंगा आपको इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है इन्फिनिक्स जीरो 5G स्मार्टफोन। बैक साइड में यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको तीन कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, डुअल LED फेस देखने को मिलेगी, एंड नीचे की साइड में यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स 5G की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स होंगे एंड हल्की सी चीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, काफी एक नया डिजाइन निकल कर आया इन्फिनिक्स की तरफ से। मेरे को डिजाइन काफी पसंद आया, आप लोगों को डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगी एंड प्लास्टिक का फ्रेम आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले काफी तगड़ा होने वाला है, हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा, एमोलेड का पैनल होगा, तो डिस्प्ले के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का होगा मेन AI कैमरा, एंड यहाँ पे आपको दो और सेंसर देखने को मिलेंगे जो अभी के लिए अननोन है। तो रियर साइड से यहाँ पे आपको कैमरा ठीक ठाक देखने को मिलेगा। बात करें सेल्फीज की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंटर कंसोल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। तो रियर साइड से भी कैमरा अच्छा है, सेल्फी कैमरा भी अच्छा होने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे आपको डिसेंट कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 900 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 6nm आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, एंड GPU भी यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी एंड पावर एफिशिएंट होगा ये प्रोसेसर, डे टू डे यूज में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 6GB/8GB LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी एंड 64GB/128GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी साइज काफी अच्छा होने वाला है, काफी बड़ा होने वाला है, एंड यहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो चार्जिंग स्पीड भी ठीक ठाक होने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। मल्टीमीडिया के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको XOS 10 देखने को मिलेगा, जो कि Android 11 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए यहाँ पे आपको Android 12 देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे आपको Android 12 वाला अपडेट भी इस स्मार्टफोन में जल्दी ही देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड एक ट्रू 5G स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। डुअल 4G वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GBS का सपोर्ट होगा एंड दोस्तों NFC का सपोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद यहाँ पे आपको साइड माउंटेड IPS देखने को मिलेगा, कॉस्ट कटिंग इसका रीजन हो सकता है। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स की, तो दोस्तों जो लीक्स निकल कर आए हैं और जो ऑफिशियल पिक्चर्स निकल कर आए हैं, कुल मिला के यहाँ आपको 3 कलर्स देखने को मिलेंगे, ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की, तो दोस्तों जो कुछ लीक्स निकल कर आए हैं, जो कुछ ऑफिशियल डिटेल्स निकल कर आई है, उनके मुताबिक ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में अंडर 20 के यानी कि 20,000 रुपये से कम के प्राइस में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाला है। एंड अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में अंडर 20 के लॉन्च होता है, तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड दोस्तों इन्फिनिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है कि स्मार्टफोन सेगमेंट
का सबसे फास्टेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा। एंड सेम चीज कंफर्म किए वीवो ने अपने वीवो T1 5G स्मार्टफोन को लेकर। एंड रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन भी इसी सेगमेंट पर लॉन्च होने वाला, तो ये जो बैटल होने वाला है काफी कमाल का होने वाला है, इस बैटल को देखने में काफी मजा आएगा। बात कर रहे हैं इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्च डेट की, तो दोस्तों इन्फिनिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि स्मार्टफोन 14 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको इन्फिनिक्स के फर्स्ट एवर 5G स्मार्टफोन यानी कि इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।